दोस्तों ये है टेक्निकल गुरुजी के वीडियो का स्टार्टिंग पोर्शन। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। दोस्तों अभी आप क्लिप देखिए वीडियो के स्टार्टिंग से पहले, वो टेक्निकल गुरुजी का वीडियो का स्टार्टिंग पोर्शन था। तो अगर आप वैसा ही एडिटिंग अपने अपने वीडियो के स्टार्टिंग पोर्शन में करना चाहते हैं तो कैसे करें, वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ आप काइन मास्टर से ही कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट, ठीक है, मीडिया में, फिर मैं ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला जो दोस्तों है, देखिए दोस्तों ये वाला जो बैकग्राउंड है वो आपको चाहिए होगा इसके लिए, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, ये दोस्तों अभी मोशन में है, देखिए दोस्तों ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको मैं सबसे पहले रोकना होगा। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इस पर क्लिक करूँगा, फिर स्टार्टिंग पोजी एंडिंग पोजिशन पे क्लिक करूँगा और एडजस्ट करूँगा एंडिंग पोजीशन को। या फिर ठीक है, मैं ऐसा दोस्तों सॉरी, इस इक्वल का ऑप्शन पर क्लिक करने से ये सब कुछ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन छोटा होगा और आप इक्वल क्लिक करेंगे तो ये एंडिंग पोजीशन भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोर्शन और एंडिंग पोर्शन इक्वल हो गए, इसका मोशन सर अभी ये मोशन में नहीं है। ठीक है, तो फिर से हम लेयर में जाएंगे, अब मीडिया, व्हाट्सएप वीडियो, तो कोई भी दोस्तों ये ट्रायल वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, खेलते वक्त जैसे ठीक है, तो इसको मैं भी ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, हो गया ट्रिम, परफेक्ट। अब इस वीडियो को मैं एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट करूंगा वीडियो को, ठीक है दोस्तों एडजस्ट हो गया। अब हम देखते हैं, ठीक है, तो अभी फिर से मैं लेयर में जाऊंगा और अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, वो टेक्निकल गुरुजी करते हैं ऐसा, मतलब नाम लिखते हैं और फिर चैनल का नाम, बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ठीक है, ATRI, इसका कलर मैं व्हाइट ही रहने दूंगा और इसका शेडो ऑफ कर दूंगा। अब ओ दोस्तों सॉरी, गलती से बहुत बड़ा हो गया ये, इसको छोटा करूं और ये यहाँ पे सेट हो गया। अब फिर से मैं लेयर पे जाऊंगा और फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और माय नॉलेज मतलब मेरी चैनल का नाम। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कलर ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, इसका भी शेडो ऑफ, ओके। अब इसको यहाँ पे सेट करूँगा, थोड़ा सा रोटेट करूँगा, ठीक है, ओके, हो गया, दोनों परफेक्ट आ गए हैं। अब देखते कैसा बना है। खेलते वक्त जैसे
देखा दोस्तों, ये ऐसा बना वीडियो। ये तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो को रफली एडिट कर रहा हूँ, पर आप बहुत अच्छा एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अनट्रैक्टेड बंद। एक्सपोर्ट, ठीक है, अभी ये एक्सपोर्ट हो रहा है दोस्तों। अभी थोड़ी देर हम वेट करते हैं, ये जल्दी हो जाएगा, सिर्फ 2 MB है। ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो गया अभी। अभी फिर से दोस्तों मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, फिर से एम्प्टी प्रोजेक्ट चूज करूंगा, और इस बार दोस्तों कुछ अलग होगा। ये वो स्टेप 1 था और ये अभी स्टेप 2 है। ठीक है, मीडिया में जाके आप बैकग्राउंड चूज कीजिए। ठीक है, मैंने वाइट, सिंपली वाइट ही मैं चूज करूंगा। ठीक है, अब फिर लेयर में जाके वो जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किया वो सेव करना है। ठीक है, ये दोस्तों 1 सेकंड, लेयर पे जाके ये जो अभी मैंने ये वीडियो अभी अभी भी जो एक्सपोर्ट किया है वो सेव करना है। ठीक है, हाँ सॉरी, इंपोर्ट करना है। अभी इसको मैं इस फुल स्क्रीन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, अभी ये फुल स्क्रीन हो गया है। और ये जो चाबी वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करने पर, उसके पहले आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो है वो जो मेन चल रहा है अंदर, उसका उसको उसके साइज का ये बनाना होगा। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे थोड़ा रोटेट कर दूंगा, और अभी इस वीडियो फुल ये वीडियो फुल स्क्रीन में आ जाए ऐसे इतना बड़ा मैं करूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वीडियो फुल स्क्रीन में आ गया है। तो अभी चाबी वाले ऑप्शन, ये जो की का आइकन दिख रहा है ना आपको, वो इस पर क्लिक करेंगे, और फिर मैं देखो यहाँ पे गया, और सॉरी, ये जो इसको छोटा कर दूंगा अभी मैं। थोड़ा छोटा, ठीक है, इतना कर लिया। फिर अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्या करूँगा, जो जो मैंने पहले किया था वही करूँगा, वही मैं फिर से दोहराऊँगा। मतलब ये जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन कर दूंगा इस। ठीक है, हो गया, ओके। तो अब आप देखिए इस वीडियो को, उसको शुरू से शुरू करता हूँ। खेलते वक्त ठीक है दोस्तों, फिर से दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे कर सकते हो टेक्निकल गुरुजी के वीडियो जैसी एडिटिंग। ठीक है, तो मैंने ये तो रफली किया, पर आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।